आज मैं आपको ऑटोकैड की बेसिक कमांड्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्टली बेसिक कमांड कौन कौन सी होती हैं, जैसे यूनिट, हमें उसकी यूनिट्स कैसे सेट करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, यूएन टाइप करना है। तो ऑटोकैड में चलते हैं सबसे पहले, या तो हम डायरेक्ट यूएन ऐसे भी टाइप कर सकते हैं तो हमारी यूनिट्स ओपन हो जाएगी, यूएन एंटर यूनिट्स ओपन हो जाएगी। या फिर हम नीचे कमांड्स का ऑप्शन होता है उसमें जाके यूएन टाइप कर सकते हैं एंटर, तो हमारा यूनिट्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारा क्या है कि टैग सेट करना है, जो हमारे टैग होता है वो डेसिमल में होता है, आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग में हमारी इसे इधर हमें फिट एंड इंचेस में सेट करना है, और हमें कितने नंबर्स तक लेना है उसका वैल्यू, एक दो, तो यहाँ से हम वो सेट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं, ओके, ये हमारी यूनिट सेट। अब सारी हमारी यूनिट्स जो होंगी वो हमारी फिट एंड इंचेस में होंगी, जो इंजीनियरिंग यूनिट्स होंगी। सेकेंड हमारा होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड होती है वो होती है लाइन कमांड। लाइन कमांड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड इन द ऑटोकैड, जो सबको आता है जनरली एल टाइप का। मैं आपको इसका ऑटोकैड का एक सीक्रेट और बताना चाहूंगा, कोई भी कमांड जो है उसके स्टार्टिंग लेटर से स्टार्ट, मतलब मोस्टली कमांड, कोई भी नहीं कह सकते, कुछ कमांड है जो अदर उससे भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली कमांड्स इसके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे यूनिट्स है हमारी तो यू एन, यू एन, लाइन है तो एल, रिफ्रेश आर ई। तो मैं आपको आगे ऐसे ही समझाऊंगा तो मैं बता देता हूँ। तो लाइन के लिए एल एंटर करते हैं, ऑटोकैड में चल के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एल टाइप किया, पॉइंट ये कुछ भी ड्रॉ कर, ये कैसे भी कुछ भी लाइन ड्रॉ, एक जनरल लाइन ये। उसके बाद जैसे हमारा है लाइन हो गया, उसके बाद आता है हमारा रिफ्रेश कमांड। रिफ्रेश कमांड क्या होती है, जैसे हमारा ड्राइंग बहुत सारी हो गई और वो हैंग होने लगा है, जो हमारा ऑटोकैड है वो बहुत हैंग हो रहा है, तो उसके लिए हम रिफ्रेश कमांड का यूज करते हैं। उसके लिए जनरली हम आर ई एंटर करते हैं, और ड्राइंग करते समय हमें बीच बीच में आर ई एंटर जरूर करते रहना चाहिए। तो एक बार मैं बता देता हूँ, इसमें तो जनरली केवल आर ई एंटर करना है और जूम करना है, ये आप खुद करते हैं। उसके बाद आता है जूम एंड फिट। जैसे हमारी कोई भी बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई है, शीट पर चल के आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे ये हमारी बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई है शीट पर और हमें दिख नहीं रही है तो कौन सी ड्राइंग किधर है, कौन सी कहाँ है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जेड एंटर करना है, उसके बाद ई एंटर करना है। तो जो भी हमारी ड्राइंग शीट पर बनी होंगी वो सारी हमारी सामने आ जाएगी, ये सारी ड्राइंग हमारे सामने, उसके लिए हमें जेड एंटर और ई एंटर करना है। उसके बाद आता है हमारा इसके जेड एंटर और ई एंटर करने की बजाय हम एक चीज और कर सकते हैं, जिसमें हमें नीचे से लेकर लोअर लिमिट से लेकर उसकी लिमिट सेट कर लें, मतलब पेज की हम लिमिट सेट कर लें, एक लिमिट कि हमें कोई भी ड्राइंग बनानी है वो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक की हम लिमिट सेट कर देते हैं उसमें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑटोकैड और जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं एल आई एम आई टी एस लिमिट्स, तो लिमिट्स हमारी सेट है। अब ये हमसे यहाँ पूछ रहा है इस जगह स्पेसिफाई लोअर लिमिट ऑफ द कॉर्नर, मतलब इस कॉर्नर की
हमारी लिमिट्स क्या हो, तो उसके लिए हम जैसे एंटर कर देते हैं 0 बिट कॉमा 0 बिट एंटर, इस कॉर्नर की हमारी लिमिट सेट हो गई। अब इस कॉर्नर की हमें लिमिट कैसे सेट करनी है, उसके लिए हम एंटर कर देते हैं 100 बिट कॉमा 100 बिट, हमारी इस ड्राइंग शीट की पूरी लिमिट सेट हो गई। अब हम इसके बीच में इस लिमिट की कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, केवल हमें 20 फीट की ड्रॉ करनी है, तो वो केवल हम 20 फीट टाइप करेंगे, वो केवल इतने ही बीच में ड्रॉ करेंगे, और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेड एंटर और ई एंटर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिमिट्स का तरीके से हम कर सकते हैं, एक ही लिमिट्स का पार्ट होगा। इसके अलावा ये हमारी 5 कमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड थी जो कवर हो गई। इसके बाद आती है हमारा माउस ऑपरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये माउस ऑपरेशन कैसे करने है? माउस से हमारी देखिए पैनिंग और ड्रैगिंग हो जाती है और जूमिंग एंड जूम आउट माउस के थ्रू होता है। ऑटोकैड करने के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इसके करने के लिए आपको पास माउस होना बहुत जरूरी है। पैनिंग करने के लिए जो इसमें स्क्रॉल वाला बटन होता है उसे आपको प्रेस करना है और स्क्रीन पर ड्रैग करना है, मैं आपको बताता हूँ। और देखिए मैं ऑटोकैड में जाके जैसे ये कोई ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, ये स्क्रॉल वाला बटन प्रेस कर, ये पैनिंग, स्क्रॉल वाला बटन प्रेस कर रहे हैं, ये पैन इस तरीके से पैन, और किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए हम हमेशा एस्केप का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे हमारी बहुत सारी ड्राइंग बन गई है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जेड एंटर और ई एंटर, ये हमारी ड्राइंग, पूरी ड्राइंग हमारी शीट पर, ये पैनिंग और रोलिंग एंड जूमिंग एंड जूम आउट, जूमिंग एंड जूम, ये सब आपके माउस ऑपरेशन है, माउस के थ्रू होंगे ये आपके, और किसी तरीके से नहीं हो सकते, केवल आप पैन कमांड का यूज करके पैनिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉप कर्सर के थ्रू, तो आपके माउस ऑपरेशन और पैनिंग कंप्लीट हो गई। सो आज के लेक्चर की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, आगे मैं और चीज़ें बताऊँगा, इसके डायमेंशन स्टाइल के बारे में बताऊँगा, सब चीज़ें बताऊँगा। चलिए आज के लिए यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।